बहुत प्यारे बच्चे भी हो रखे हैं कॉपर कलर में, इतनी प्यारे, और देखो खेल रही है मेरे साथ आके, इसको नहीं फर्क पड़ता कहाँ है मेरे बच्चे। उठा के ले जाऊँ तेरे बच्चों को? ले जाऊँ, सब पीछे पीछे हैं। चलो भाई चलो पहुँचो। नमस्कार भाइयों, क्या हाल चाल। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होगा, और जैसे कि हर बार व्लॉग जो हमारे डॉग के जो व्लॉग होते हैं इंटरेस्टिंग ही होते हैं, तो आज हम मुजफ्फरनगर आए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो अलग ही माहौल है यहाँ पे, पूरा फुल सिस्टम सेट है। हमारे साथ में है आशीष भैया, तो भैया बहुत बहुत वेलकम है आज की इस वीडियो में, और मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ और फिर इनसे थोड़ी बात करेंगे। तो भैया आपका मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे बहुत सारे बहुत प्यारे हस्कीज रखे हुए हैं। जी जी जी। क्या है ये कहानी, क्या है? एक पपी से आज 25 तक पहुंचा हूँ। 25 डॉग हैं आपके पास में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई वाह। दोस्तों मैं बताऊं, ये जो है ये पोश एरिया है मुजफ्फरनगर का, ठीक है, और यहाँ पे भैया ने अपने दो फ्लोर, ये वाला फ्लोर और वो वाला फ्लोर, और इवन छत भी डॉग्स के नाम पे कर दी है। हाँ जी, हाँ जी। रजिस्ट्री करा दी है। एक्चुअली में स्टार्टिंग एक पपी से हुई थी, विक्टोरिया नाम की एक फीमेल मैं लेके आया था, छोटी। अच्छा। पपी जी। और उसके साथ खूब अपना जो है प्ले किया, वॉक किया, सब घूमे फिरे, फिर देखा कि क्यों ना इसको एक पार्टनर दिया जाए। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके तो आप उसके लिए दूल्हा ढूंढ कर लाए हैं, कह सकते हैं। तो फिर मैंने एक्चुअली उसके लिए, ये मेरा पार्टनर ये था। अच्छा, ये था पार्टनर कॉपर कलर में। अभी अभी खेलने में व्यस्त है ये। कुछ हो गया इसका। हाँ भाई स्काई, आजा स्काई, से हेलो, गुड डॉग, मूडी है, गुड डॉग। अच्छा ये बताइए, तो मतलब आपने 200 शुरुआत करी और ये परिवार इतना बड़ा हो गया। हाँ जी। तो उन्हीं के बच्चे हैं या फिर ये आप और भी लेकर आए हैं? सब अलग अलग लाइन से हैं। अच्छा। कोई भी किसी का बच्चा या डॉटर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये है कहानी, मतलब शुरुआत तो कम से की थी पर आज बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। धीरे धीरे अपना फैमिली तो बढ़ती है। हाँ फैमिली बढ़ती है, सही बात है। ऊपर भी चल के देखेंगे एक बार क्या कहानी है। आप थोड़ा आगे चलिए आप, ठीक है। और भैया के पास बहुत प्यारे पपीज हो रखे हैं, इतने प्यारे पपीज हैं, और देखो फॉलो करते हुए जा रहे हैं सब, सब पीछे पीछे हैं। चलो भाई चलो पहुँचो। अरे वाह, चलो चलो सेना चलो। कूलर ओपन में भी चला रखा है इन्होंने, काफ़ी ठंडी हवा दे रहा है, और एसी भी ऑन है अभी इनका। अंदर का टेम्परेचर देखते हैं, बाहर का टेम्परेचर मानता हूँ 32 डिग्री होगा। हाँ, ठीक है, और शाम का टाइम है, अंदर चल के देखते हैं अब। आई तो ये इन्होंने इनके लिए पूरा एक हॉल दे रखा है, इधर टीवी भी लगा रखा है इन्होंने। हाँ जी, क्या चलाते हो उस पर? नहीं कुछ, इधर कुछ है। अच्छा अच्छा। पर्टिकुलर ये फोल्डिंग है। हाँ, ये ऐसे लग जाता है यहाँ पे। अच्छा। और जो मालिया जैसे लॉयन की फेवरेट है। अच्छा अच्छा, मूवी दिखाते हो आप इन्हें? अच्छा रे, ये फोल्डिंग इसीलिए है, ये हिलते लग जाता है, और ये बैठ के अपना आराम से, साउंड सिस्टम भी है। अच्छा अच्छा, वॉल्यूम इनको अच्छा मिले। भाई मैं तो ये मान रहा हूँ भैया कि पर्सनली मैंने इतना बड़ा डॉग लवर नहीं देखा, ठीक है, और टीवी में मानता 50 इंच टीवी है ये, 52 इंच है ना, काफ़ी महंगा टीवी भी होगा ये, और एसी चल रहा है 224 पे, ठीक है यहाँ पे। अरे वाह भाइयों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत प्यारे बच्चे भी हो रखे हैं। ये कुछ कहेगी तो नहीं मेरे को? नहीं नहीं, मैं एक बार बच्चे देखना चाहता हूँ, थोड़ा क्लोज में अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। ये इतने प्यारे पपीज हो रखे हैं यहाँ पे, इसने दिए हैं बाबू, बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके। और ऐसा नहीं है कि पपी हुए हुए हैं, फीमेल अग्रेशन में है, बिल्कुल फ्रेंडली रहती है। नहीं नहीं देखो दोस्तों, मैं दिखा दूँ आपको, क्योंकि इनको आपने तमीज सिखा रखी है ना, बिल्कुल संस्कार ऐसे दे रखे हैं, क्योंकि मैंने कभी लॉकअप करके रखा ही नहीं नहीं तो अदर डॉग्स को ये इस टाइम काटने को होती, बिल्कुल बिल्कुल अग्रेसिव हो जाती है फीमेल, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई मेरी हस्की हो जाती है। अच्छा अच्छा, करती है। और यहाँ पे सेकंड लिटर है ये, इसको थोड़ा पास से दिखाएंगे, और काफी अच्छा लिटर साइज है, मैं देख रहा हूँ 9 पपीज दिए हैं, और ये ओड आइज में है, ईगल आइज से कहते हैं ना, ओड आइज में है। क्या नाम है इसका बाबू का? पिस्टल। पिस्टल, अरे पिस्टल पिस्टल बहुत प्यारी है भाई पिस्टल। अच्छा ये अभी कितने दिन के पपीज है? ये अराउंड 15 days, नहीं ये अराउंड 12 days के, 12 दिन के हैं अभी। हाँ, हाँ। एक्टिव है, काफी एक्टिव है, बहुत, मैं इसीलिए खुला रखता हूँ। जी 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 जी। और तीसरा लीटर वहाँ पे है, तीसरा लीटर ये गुटकी का है, एलेक्सा गुटकी भाई वाह, नाम तो आपने काफी अच्छे अच्छे रखे हैं भैया। ये बहुत शैतान। जी जी जी।
एक माया भी थी ना यहाँ पे, माया सफेद वाली। हाँ माया बाहर भी। हाँ हाँ, ये देखिए दोस्तों कॉपर कलर में इतनी प्यारी, और देखो खेल रही है मेरे साथ आके। इसको नहीं फर्क पड़ता कहाँ है मेरे बच्चे। उठा के ले जाऊँ तेरे बच्चों को? ले जाऊँ इसको बैठा के दूध पिलाना पड़ता। बच्चे ले जाऊँ तेरे? नहीं नहीं बाबू है भाई। देखो दोस्तों कितने प्यारे हैं ये, और ये देखो इसको बस खेलने से मतलब है, बच्चे कहाँ हैं इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये कितने दिन के हैं भैया? ये 15 डेज से अभाव हो चुके हैं, आईज ओपन हो चुकी है। अच्छा आईज भी ओपन हो चुकी है, बहुत क्यूट है सच में, बहुत क्यूट पपीज हैं इनके, और ये खुद भी बहुत क्यूट है। ये कौन है मैडम? ये सबसे बड़ी हमारी दादी मैया। अच्छा दादी है ये? अच्छा अच्छा, जो सबसे पहले आई थी। अच्छा ये थी सबसे विक्टोरिया ना, ये इसका लास्ट लेटर होगा। हाँ उसके बाद ये फ्री। अच्छा आप इसको मतलब उसके बाद लेटर ले लेंगे? कितने लीटर ले लिया आपने इससे? चार। चार ही लिए? हाँ बस। और भाई बहुत अच्छा आपने डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा, चार के बाद लेंगे भी नहीं? नहीं बस ये अपना इसका। हाँ भाई आपके चक्कर में देखो कितनी इन्होंने कहानी, देखो कितना बड़ा सिस्टम बना दिया यहाँ पे है। सबसे पहले आप ही आए थे, मतलब इसी ने आपको मोटिवेट किया सबसे पहले। हाँ मैं कह सकता हूँ, जो फर्स्ट डॉग होता है ना वही मोटिवेट करता है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिसको आप सुन के आप ये कहेंगे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। जी जी जी। मतलब जब मैं इसको लेने गया उससे पहले मैंने रियल लाइफ में कभी हस्की देखा ही नहीं था, सिर्फ फोटोज वीडियोज बस ये। इससे पहले मतलब मैंने हाथ में लेके या लाइव कभी हस्की देखा ही नहीं देखा, सीधा लेने गया। अच्छा जी। नहीं देखो भैया ने यहाँ पंखे भी लगा रखे हैं, जोश लगा रखे हैं, चार पंखे हैं इस कमरे में दोस्तों। और ये कोई ऐसी नहीं, कोई बनावटी चीज़ नहीं है, और मैं इनके पास कोई ऐसे कॉन्टैक्ट करके नहीं आया हूँ, एक फ्रेंड के थ्रू आया हूँ इनके पास में। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और ये नॉर्मल आज घर पे बैठे हुए थे तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा शूट करते हैं, ठीक है। और इनके डॉग्स देखो केसीआर रजिस्टर्ड डॉग्स रहते हैं, और बेस्ट ऑफ ब्रीड भी लगा है इनकी एक डॉग को डून वैली कैनल क्लब में, केसीआई का शो होता शायद ये, है ना? जी 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 जी। तो भैया आप ये बताओ, इतना आपने सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, इतना अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके, ठीक है। तो इसमें क्या आप मतलब 25 हैं अभी, इससे ज़्यादा ही बढ़ाओगे? हाँ डेफिनेटली। तो उसके जगह भी तो चाहिए होगी ना? तो मैं सेटअप उसके लिए अभी धीरे धीरे तैयार। आप फार्म बना रहे हैं? नहीं हो पाता है। फार्म बना रहे हैं? हाँ, क्योंकि धीरे धीरे करके, क्योंकि आइडियाज इतने चेंज होते रहते हैं, जो आज कोई आइडिया है कल कोई आइडिया है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके ही स्टेप मैं ले रहा हूँ। जी 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 जी। मतलब फार्म तो आप डेफिनेटली बनाएंगे? हाँ, हाँ, है ना? लैंड तो नेक्स्ट टाइम जब हम व्लॉग बनाएंगे ना आपके फार्म में बनाएंगे। आपकी नेक्स्ट विजिट इतनी बेस्ट होने वाली है। जी जी जी। आप खुद कहोगे कि यार मजा आ गया। तो भाइयों ये था एक प्यारा सा व्लॉग हमारे प्यारे हस्कीज के ऊपर, और हमारे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अभी निकाह हो गया हूँ और मैं यहाँ इनसे मिलने आता रहूँगा, ठीक है। और सच में इन्होंने पूरा सिस्टम क्रिएट कर रखा है। आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट करना है और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। ऐसे ही व्लॉग्स इस चैनल पर आएंगे, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।